हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी नाइट का टाइम हो रहा है, यहाँ पर हम बना रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे काफ़ी दिनों बाद, और चटनी के साथ में मैं खाऊंगी। आई थिंक मैं सॉस के साथ में बहुत टाइम हो गया खाए हुए, सॉस के साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मतलब सुबह शाम का खाना तो ऐसे ही चल रहा है कि कभी सुबह खा लिया कभी शाम को खा लिया। और यहाँ पर मेरी मम्मी के लिए ना मखाने फ्राई करके रखे हुए हैं, जो कि मैंने टिफिन में डाल दिया है, क्योंकि हम इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 का टाइम हो रहा है, और मम्मी के लिए जा रहे हैं हम लोग मूंग की दाल खिलाने के लिए उनको। और आई थिंक कल उनका डिस्चार्ज हो ही जाएगा, माँ पापा वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो हम लोग इस वजह से थोड़ा सा लेट जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। या देखो उस कमरे शिफ्ट कर लें। क्यों वहां पर बेड खाली है, देखो वहीं शिफ्ट कर लें क्या? हाँ चलो चक्कर तो नहीं। तो यहाँ पर ना हम मम्मा को आईसीयू वाले रूम में इसलिए फिर से शिफ्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से थोड़ी ना चहल पहल है, काफ़ी सारे स्टाफ मेंबर्स वगैरह हैं, तो मम्मी को वहाँ पर मन लगा रहता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे चली जाऊँ या मैं घर चली जाऊँ तो मम्मी को दिक्कत नहीं होती है, तो इस वजह से मम्मी वापस आ गई हैं। जो कि यहाँ के जो लोग थे वो भी खुश हो गए थे कि चलो आप वापस आ गए, नहीं तो अकेले सेपरेट रूम में इंसान बोर हो जाता है। यहाँ पर सब लोग को देख कर ना थोड़ा सा मन बहला रहता है। और यहाँ पर दो लेडी और लेटी हुई हैं जो कि आज ही आई हुई हैं, कल तो आकर डिस्चार्ज होना है मैं फिर पहले से नहीं थे। यहाँ पर मम्मी की जो बॉटल वगैरह है वो लगाई जा रही है, ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और सारी भी कुछ वीडियोस वगैरह मैं आपके साथ में तो शेयर कर ही रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हो, मम्मी को सारी प्रेयर कर रहे हो। ये मीठी है, कड़वी है, बहुत मीठी है। तो यहाँ पर मम्मी का बीपी वगैरह चेक करा जा रहा है, ये दिन में आई थिंक 5 से 7 बार ये लोग चेक करते हैं बीपी वगैरह, और काफ़ी अच्छी मतलब इन लोगों ने टेक केयर करी मम्मी की। उसके बाद में मैं अभी जा रही हूँ घर इनके साथ में, और आगे जो भी होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में बने। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मम्मी का डिस्चार्ज होना है तो हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। बिल्कुल भी टाइम नहीं था शूट करने का, मैंने कहा जस्ट अभी ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं, तो चलो चलते हैं। मम्मी का आज डिस्चार्ज करा कर उनको वापस से घर लेकर आते हैं, ये मेरा गाड़ी वेट कर रहे हैं, अगर नहीं जाऊंगे तो गुस्सा होंगे। चलो यहाँ पर हम रुके हुए हैं कोकोनट वाटर पीने के लिए, हमने कहा चलो थोड़ा सा कोकोनट वाटर पी लेते हैं, और मम्मी के लिए भी साथ में ले जाएंगे क्योंकि आज मम्मी का हो रहा है डिस्चार्ज। और हम लोग यहाँ पर लिफ्ट में आ गए हैं, मम्मी का डिस्चार्ज अगर हम लोगों ने करवा लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। मम्मी ने एक्चुअली गाउन पहना हुआ है, क्योंकि गाउन तो यार ऐसे ही पहनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। और यहाँ पर आकर मम्मी बैठ गई हैं, पीछे से भैया एक थे वो हेल्प करा रहे थे मम्मी को, और यहाँ पर गाड़ी में लेके आ गए हैं। तो चलो मैं बैठ जाती हूँ, उसके बाद में हम चलते हैं घर। और यार ससुराल में सब कुछ संभालना इतना भी आसान नहीं होता है, सारी चीज़ों का मैनेज करना होता है, क्योंकि आपको घर भी देखना है हॉस्पिटल भी देखना है, आपके साथ में और भी जिम्मेदारी होती है, जैसे आपके हस्बैंड हो गए, आपके इन लॉज हो गए, पूरी फैमिली। बट हालांकि मेरी जो फैमिली है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, हर चीज़ में सपोर्ट करती है। और यहाँ पर मम्मी घर आ चुकी हैं, और हम लोग उनको ऊपर लेकर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ हैं घर पर, वो चढ़ सकती हैं, डॉक्टर उनको अलाउ कर दिया था। यहाँ पर मैंने बनाई मूंग की दाल, और जो कि यही देना है मम्मी को बिना मतलब बिना फ्राई करी हुई, और थोड़ा सा पपाया कट करके रखा है, कि थोड़ा थोड़ा सा मतलब हम आप चीज़ें दे सकते हैं मम्मी को। और मम्मी को मैं अपने बेडरूम में ले आई हूँ, इन्होंने कहा कि मम्मी को बेडरूम में ही बिठाओ, आराम से लिटाओ, और थोड़ा थोड़ा इनको करके खिला दो अपने हाथ से ही। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि गर्म तो नहीं है, क्योंकि गर्म नहीं हो ना, तो इसलिए मैं फूंक रही थी, और थोड़ा थोड़ा सा मम्मी को मैं खिला रही हूँ, क्योंकि खाएंगी नहीं तो एनर्जी नहीं आएगी। अभी तक तो उनकी ड्रिप वगैरह चढ़ रही थी, बॉटल्स वगैरह ग्लूकोज जा रहा था, तो उससे उनका एनर्जी आ रही थी, बट अभी वो सारी चीज़ें हटा दी हैं। और जो भी ड्रेसिंग वगैरह होगी ना कल या परसों में, तो वो डॉक्टर घर पर आके कर जाएंगे। मम्मी का यहाँ पर खाना हो गया, मम्मी को मैं पानी पिला रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि मम्मी घर आ चुकी हैं, और अब बात कराते हैं मम्मी की पापा से, छोटी बहन से, सबसे वीडियो कॉल कराते हैं कि फाइनली मम्मी घर आ चुकी हैं, ठीक हो गई हैं। अब उनके जो भी टाके वगैरह लगे हैं वो डॉक्टर जो है घर पर आके कट कर देंगे, ऐसे कोई अब जाने की जरूरत नहीं है। सो या गाइज, अच्छा लग रहा है। मम्मी को मैंने नाश्ता पानी जो भी था वो करा दिया है, क्योंकि इनको यही खाना है, दूध दलिया, दाल और खिचड़ी, पापड़, छोटी छोटी फुलके वाली पतली पतली सी रोटियां खानी है, सो ऐसी ही चीज़ें खानी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, वो गर्म पानी पीना है, जो भी इनकी दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन है वो लेनी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं खाना है आपको। फास्ट फूड, वैसे ही मम्मा फास्ट फूड वगैरह कुछ खाती नहीं है,
मतलब जो आजकल की मम्मियां होती है ना, वो बच्चों के चक्कर में सब चीजें खाना मतलब सीख जाती है। मेरी मदर ने पहले कुछ नहीं खाती थी, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं पिज्जा, पास्ता, माइक्रोनी और मतलब व्हाइट सॉस पास्ता मतलब क्या क्या बनाती रहती हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ खाने लगी हैं। पहले वो बिल्कुल भी नहीं खाती थी, अगर वो बाहर रेस्टोरेंट में जाती थी तो सिंपल खाना ही ऑर्डर करती थी अपने लिए, भले ही बच्चे कुछ भी मांगे वो नहीं खाती थी। वो मेरे चक्कर में उन्होंने भी खाना स्टार्ट कर दिया, तो वैसे बोलती है मेरे से ऐसा। तो यहाँ पर ना मैं लंच करने आ गई हूँ, लाइट ऑफ कर आई हूँ रूम के कि मम्मा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, डिस्टर्ब नहीं हो, तो मैं यहाँ पर बाहर आके बैठ गई हूँ। गुड इवनिंग। तो अभी मैं शाम से फिर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब आफ्टरनून में मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था, जस्ट हमने लंच वगैरह करा उसके बाद में हम सो गए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे। और मैं बता दूं कि आज घर पर कोई नहीं है, मेरे जो इन लॉज हैं वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो उस बारे में आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। और क्योंकि एक्चुअली वो थोड़ा सा फैमिली फंक्शन में गए हैं, थोड़ा सा जरूरी था, इस वजह से मम्मा रेस्ट कर रही हैं। और मुझे आज हेयर ऑयलिंग करनी है, बहुत दिनों से मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं करी है, तो एक बहुत अच्छा जो ऑयल है वो मैं आप सब में शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोग के रिक्वेस्ट आए थे कि शिवी आपके हेयर काफी अच्छे हैं, तो इतने अच्छे भी नहीं है, बट हाँ अच्छे करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, बट हाँ लॉन्ग सिल्की साइनी तो है ही। तो चलो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ आज मैं कौन सा हेयर ऑयल लगाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं अपने हेयर्स पर आप लोगों के सामने ही ऑयलिंग करूंगी। बहुत दिनों से मम्मी वगैरह जो होती है ना, उनको बहुत लगता है बेटा अपने बालों में ना ऑयल लगा लो, बाल खराब हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, व्हाइट हो जाएंगे, तो इसलिए तो चलो बताती हूँ मैं आपको। ये वाला ऑयल जो कि है वाओ का, वाओ स्किन साइंस का आमला हेयर ऑयल, और ये आपको एक कॉम्ब एप्लीकेटर में आता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ ये कौन सा एप्लीकेटर है। सो यहाँ पर आपको दो एप्लीकेटर मिल जाते हैं, देख लीजिए आप। एक बार मेरे पास में एक और ऑयल था, आई थिंक वो किसका, वाओ का था, नहीं वाओ का नहीं था, आई थिंक किसी और ब्रांड का था ये। तो इसमें भी मेरे को ये एप्लीकेटर मिला था। आजकल काफी सारे ऑयल्स में एप्लीकेटर आ रहे हैं, इजिली आप इससे भी मतलब अप्लाई कर सकते हो हेयर्स को। इसको हटा करना है इस कैप को, और इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इसका फायदा है कि आप इस तरीके से अगर आप अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहते हो, अच्छे तरीके से अपने रूट पर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। और आपको इंटेंसिव केयर मिलती है फॉर ड्राई, और स्कैल्प में अच्छे तरीके से जाता है, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है हेयर ऑयल, ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है जैसे कि इसमें मेंशन करा गया है। मैं आपको सारी चीज इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग रिव्यू चाह रहे थे इसका। और ये नो मिनरल ऑयल है, सिंकल भी नहीं है इसमें, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस भी नहीं है इसमें कोई भी, और प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है ये। काफी अच्छी तरीके से मतलब आपके हेड्स पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और सुटेबल ऑल टाइप स्किन, सॉरी सुटेबल ऑल टाइप हेयर्स के लिए है ये, मेड इन इंडिया है। सबसे खास बात इसकी ये है, आपको 200 ml की इसकी क्वांटिटी मिल जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये ना 99.9 प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जैसे कि इसमें जो आंवले की जो मात्रा है बहुत ज्यादा है, सो इसलिए आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसकी वॉक की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, और स्कैन और कोड ये देखिए कुछ इस तरीके से अपने फोन से आप स्कैन कर सकते हैं इसको। प्राइस अगर हम आपको बता दें, इसका 499 rupees इसका प्राइस है, इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। मैं इसका अगर आपको चाहिए हो तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छा हेयर ऑयल है, अच्छी तरीके से मसाज करिए अपने हेयर्स पे, काफी अच्छा रहता है, आपके जो हेयर्स है काफी ज्यादा लॉन्ग शाइनी सिल्की बनाता है ये। और गाइस आंवले के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, आंवला खाना कितना ज्यादा अच्छा होता है ना, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपके नेल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आपके हेयर्स के लिए ये ऑयल मिल रहा है तो काफी ज्यादा अच्छा है ना, तो मैं इसी से अपने हेयर्स पे आज चंपी करने वाली हूँ, और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मैं किस तरीके से चंपी करूंगी, काफी दिनों बाद में करने वाली हूँ। बाय द वे इसका लिंक मैं आपको दे ही दूंगी, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। फ्रीजीनेस को एकदम दूर करेगा, जैसे कि आपके जो हेयर्स है ना, तो ये क्या होता है ऐसे थोड़ा सा करो ना टूट जाते हैं, टूट अगर आपके हेयर्स इस तरीके से टूट रहे हो तो आप समझिए कि आपके हेयर्स बहुत ज्यादा वीक हैं, और आपको हेयर ऑयलिंग जरूर करना चाहिए अगर कोई अच्छा हेयर ऑयल मिल रहा हो। सो ऑब्वियसली यार मतलब हम ढूंढते हैं ना कि हमें कोई अच्छा सा हेयर ऑयल मिले, तो मैं काफी टाइम बाद आंवले का जो हेयर ऑयल है मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आंवला काफी ज्यादा फायदा करता है, आप सभी लोगों को पता ही है। पता है मुझे ना बालों में ऑयल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट क्या करें, लगाना पड़ता है आपके हेयर्स के लिए। और जो आप लोग बोल रहे ना इतने अच्छे हेयर्स, इतने अच्छे हेयर्स, तो ये आप केयर करोगे ना तो ही आपके हेयर्स इतने अच्छे तरीके से होंगे। मैं तो भाई अपने हैंड से ही लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से, आज मतलब काफी दिनों बाद लगा रही हूँ, अच्छी तरीके से मसाज करूंगी। बाय गॉड, पता है आपको मेरे पहले की वीडियोस में ना मैंने एक बार अपनी हेयर ऑयलिंग का वीडियो डाला था, जिसमें बहुत सारा ऑयल लगाया हुआ था, मेरी एक फ्रेंड है माही, उसका कमेंट आया था कि ये भी इतनी चंपू बन के पहली बार वीडियो डाली हो, जो बहुत मजा आ गया। तो गाइज मतलब मैंने अपने आप में डाली थी, पता है कि आप लोगों के डिमांड पे ही मैंने उस वीडियो को डाला था। अगर आपने पहले की मेरी वीडियोज नहीं देखी ना,
तो जाकर देख सकते हैं। वैसे ऑन कैमरा हम इतने हैं, मतलब अच्छी तरीके से तो करेंगे नहीं ना अपने सर की मसाज, वो तो हम ऑफ कैमरा ही करेंगे जब हम भूत बन जाएंगे, क्योंकि हम जो ओरिजिनल वाली मसाज करते हैं ना गाइस, कौन कनेक्ट्री करते हैं बताओ। बट आई एम सो हैप्पी कि मम्मी सही हैं, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। और मेरे इन-लॉज वगैरह कहीं भाग गए हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो कल आ जाएंगे। तो चलो मैं मसाज कर लेती हूँ। काफी अच्छा है यार, मतलब ये स्मेल भी काफी ज्यादा अच्छी है इसकी, और मतलब आपके हेयर्स को काफी ज्यादा फायदा करता है। और लगाती इतने में क्या होगा, आज पूरा चंपू बन जाऊंगा। ठीक है, अच्छी तरीके से देखो। और क्या है ना कि मतलब आप रात में हेयर ऑयलिंग कर लो एंड आप दूसरे दिन अच्छे तरीके से हेयर वॉश कर लो। सो गाइस देखिए मेरी हेयर ऑयलिंग हो गई और मैं बन गई हूँ चंपू, और मैंने बन बना लिए कुछ इस तरीके से। हालांकि मैं सोच रही हूँ रात में पोनी बना लूंगी, पोनी कर लूंगा तो सही रहता है। और ये रहे हमारे भगवान जी, भगवान जी की लाइट्स ऑफ करेंगे क्योंकि उनको भूख लगा दिया है, रात का टाइम हो गया है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई शुरुआत के साथ में। अब से हॉस्पिटल के जो व्लॉग्स हैं ना बंद हो जाएंगे क्योंकि मम्मी घर पर आ चुकी हैं। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट।